ओ भाई गाइस क्या ग्राफिक्स है, गाइस क्या ग्राफिक्स है। तो हेलो गाइस, लेके आ चुका हूँ मैं आपके लिए एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो, वो भी टॉप 3 DSL शेडर। तो अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाना, वरना शेडर आपके मोबाइल में वर्क नहीं करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट नंबर का शेडर आता है उसका नाम है RTX PS शेडर। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक शेडर है, बिल्कुल BSL जैसा, और BSL जैसे ही इसमें आपको रिफ्लेक्शन मिल जाता है हर चीज़ का। और गाइस आपको वाटर का रिफ्लेक्शन भी मिल जाता है, रियलिस्टिक वाटर भी इसमें देखने को मिलता है। आप इसमें क्लाउड कोर्सन को देख सकते हैं कितने ज़्यादा रियलिस्टिक हो चुकी है हमारी माइनक्राफ्ट। और अगर मैं आपको पानी के अंदर जाके दिखाऊं तो गाइस आप देख सकते हैं पानी के अंदर बिल्कुल जैसे पानी के अंदर होता है, मूवमेंट हो रही है हर चीज़ में। और एक बार गाइस इसे ध्यान से देखिए कितना रियलिस्टिक हमारी माइनक्राफ्ट लग रही है RTX PS शेडर को अप्लाई करने के बाद। और अगर मैं आपको पेड़ों की लीव्स को दिखाऊं तो गाइस ये भी देखिए कितनी रियलिस्टिक तरीके से मूव कर रही है। देखिए गाइस, अब ध्यान से देखिए गाइस, हर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसमें, जो भी मूव करने वाला मूवमेंट वाला है हर ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट आ चुकी है। और हमारी शेडर भी बन रही है प्लेयर की, आप देख सकते हैं हमारी प्लेयर की शेडो भी कितनी रियलिस्टिक तरीके से बन रही है। गाइज़ अगर मैं शेडर की आपको नाइट दिखाऊं तो गाइज़ शेडर की नाइट बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक हो चुका है हमारे माइनक्राफ्ट रात में, तो और भी ज़्यादा। और अगर आप स्काई को देखें और भी ज़्यादा स्टार से बढ़ा हुआ है स्काई, कितना प्यारा लग रहा है गाइज़, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और हमारा जो मून है, मून का रिफ्लेक्शन जब पानी पर पड़ता है गाइज़, तो और भी ज़्यादा प्यारा लगता है हमारी माइनक्राफ्ट। तो गाइज अगर मैं आपको थोड़ा सा इधर उधर जाके दिखाऊं तो हमारी माइंड का बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक हो चुकी है इस शेडर को अप्लाई करने के बाद। इस शेडर को भी आपको जरूर से चेकआउट करना चाहिए, इसकी भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर डाउनलोड कीजिए। और पढ़ते हैं अपने अगले शेडर की तरफ। तो गाइज जो हमारा अगला शेडर है उसका नाम है सीयूस अल्ट्रा शेडर, और गाइज ये बिल्कुल रियलिस्टिक शेडर है। और गाइस इस शेडर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इसके सामने BSL शेडर भी कुछ नहीं है। ये आपके माइनक्राफ्ट RTX की फील माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में करा देता है, यानी कि जो PC वाले RTX है बिल्कुल वैसे ही RTX ग्राफिक आपको ये माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में प्रोवाइड करता है। गाइस ये बिल्कुल PC के सीयूस शेडर है, उसे कॉपी पेस्ट करा गया है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में, आप देख सकते हैं। आप गाइस वाटर को देखिए, वाटर की ग्राफिक्स कितने रियलिस्टिक हो चुका है हमारा वाटर। गाइस आप वाटर को देख ही सकते हैं, और अंदर से जाके दिखाऊं तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है इस शेडर को अप्लाई करने के बाद हमारा जो है वाटर। और गाइस ब्लॉक में भी हल्का हल्का मूवमेंट है इसमें भी। और अगर मैं ऊपर से आके दिखाऊं आपको तो ऊपर आप देखिए गाइस कितना रियलिस्टिक लग रहा है हमारा वाटर, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक हमारा इसमें वाटर लग रहा है। और बात करते हैं माइनक्राफ्ट के एनवायरनमेंट की, तो टोटल एनवायरनमेंट में अगर देख सकते हैं आप जितनी भी ट्री हैं सबकी शेडो बन चुकी है गाइस। गाइस बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से आप इस माइनक्राफ्ट में इंजॉय कर सकते हैं RTX ग्राफिक्स CS अल्ट्रा, और इसके लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखी है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले शेडर की तरफ। तो गाइज हमारा अगला शेडर उसका नाम है CLOV3 अल्ट्रा, और ये शेडर की तो क्या ही कहने गाइज, इसमें तो आप देख सकते हैं आपको जो वाटर है वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, यानी कि बहुत ही सादा रियलिस्टिक मिल जाता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और रियलिस्टिक लग रहा है हमारा वाटर। और वाटर के अंदर आपको मैं जाकर दिखाऊँ तो गाइज बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसा लगेगा आपको बिल्कुल हकीकत में आप वाटर के अंदर आ चुके हैं माइनक्राफ्ट में। वो कार्टूनिस्ट से वाटर नहीं है, बिल्कुल रियलिस्टिक बना देता है हमारे वाटर को ये वाला शेडर। और अगर आप एनवायरनमेंट को देखें तो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट कलरफुल हो चुका है, और अगर क्लाउड्स को देखें तो गाइज बिल्कुल रियल क्लाउड्स हमारे बन चुके हैं इस माइनक्राफ्ट की गेम में। और गाइज एनवायरनमेंट को देखें तो एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हो चुका है, टेक्सचर तो खैर बदले नहीं, यानी कि लेकिन गाइज हमारे प्लेयर की शेडो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और हर ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आ चुका है। जैसे आप ग्रास को देखें तो ग्रास भी हल्की हल्की मूव कर रही है ध्यान से देखें तो, और पेड़ के लीव से मूव कर रही है गाइज, बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से मूव करती है। और जब ये मूव कर देता है ऐसा लगता है हम बिल्कुल रियल लाइफ में गेम को प्ले कर रहे हैं। और अगर आपको ये शेडर भी पसंद आ जाता है गाइज तो जल्दी से जाकर डाउनलोड कीजिए, कमेंट बॉक्स में तीनों शेडर की लिंक है, तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए जाकर। तो गाइज़ ये थे मेरे टॉप 3 माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के शेडर, जो बिल्कुल RTX शेडर हैं। तो अगर ये शेडर आपको पसंद आते हैं या वीडियो जरा सी अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बिना तक बिल्कुल नहीं जाना, अगर सब्सक्राइब किया नहीं किया तो आपके मोबाइल में शेडर बिल्कुल नहीं चलेंगे, तो सब्सक्राइब तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलता हूँ आपसे एक और नई माइनक्राफ्ट की बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।